अब हमारे घर से गणपति जी जा रहे हैं, उनकी पूजा की, उनको फूल अर्पित किए, उनके चरणों में उनका तिलक किया, पांच मेवा मिष्ठान का भोग लगाया, लड्डू और बर्फी उनको लिए फल चढ़ाए। अब उन्हें पूरे घर में घुमाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। ऐसे करके पूरे घर में हमारे वास रहेगा गणपति जी का चारों दिशाओं में। अब मम्मी इनको लेकर जा रही है पूरे घर में घुमाने के लिए, इनका घर में वास रहेगा, सुख समृद्धि रहेगी, गणपति बाबा मोरिया। अब इनकी मम्मी गणपति जी के साथ अपना थोड़ा समय बिता रही है, उनके साथ घूम रही है। विसर्जन करने की पूरी प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, उनका टब रेडी हो चुका है। अब उनको मम्मी विसर्जन करने की तैयारी शुरू कर रही है, उनके शुभ मुहूर्त में ही उन्हें विसर्जन करना चाहिए। उनकी दुर्बा उनके साथ जाएगी, जो ने उन फूलों की माला चढ़ाई थी वो उनके साथ जाएगी, और उनके साथ मावा मिश्री का भोग पांच तरह का, और जो हमने लड्डू चढ़ाए थे और बर्फी वो भी हम थोड़ा थोड़ा करके उनकी पोटली बनाकर उनके साथ विसर्जन करेंगे। उनके अच्छे से मन लगा कर मम्मी अब उनका विसर्जन शुरू करेगी। बस उनकी जो स्थापना की चौकी है वो अपने पास रखेंगे हम, उनकी रिद्धि सिद्धि भी अपने साथ रखेंगे। विसर्जन होने जा रहा है कुछ ही देर में गणपति बाबा का। सिंदूर लाल चढ़ायो अच्छा गजमुख को, चोंदिल लाल विराजे सुत गौरी हर को, हाथ लिए गुड़ लड्डू साई सुरवर को, महिमा कहे न जाए लागत हूँ पद को। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुख दाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, भगति से कोई शरणागत आवे, संतति संपत्ति सब ही भरपूर पावे, ऐसे तुम महाराज मोको अति भावे, गोसावी नंदन निच दिन गुण गावे। जय देव जय देव, जय जय जी गणराज विद्या सुखदाता, धन्य तुम्हारो दर्शन मेरा मन रमता। जय देव जय देव, चरण डोळ्यान पाहिन रूप तुझे, प्रेमे अलंगिन आनंदे पूजन भावे वाळिन म्हणे नावा, तुमेव माता पिता तुमेव, तुमेव बंधुच सखा तुमेव, तुमेव विद्या करुणं तुमेव, तुमेव सर्वं मम देव देव, आयेल वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मनावा प्रकृति स्वभावा, करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणाय इति समर्पयामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरि, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण।